अशोक का पेड़ या दोस्तों जोनोशिया अशोका जिसका साइंटिफिक नेम है, ये पेड़ आपने अपने आसपास में जरूर कभी ना कभी देखा होगा। बट इसकी जो दवा की उपयोगिता है आयुर्वेद में तो काफी समय से की जा रही है, होम्योपैथी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका मदर टिंचर, इसकी पोटेंसी, किन किन बीमारियों में हम लोग सफलतापूर्वक यूज कर सकते हैं, किस मात्रा में या किस पोटेंसी में, उनकी एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी नए वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों जोनोशिया अशोका या अशोका का मदर टिंचर यूजली मैं यूज करता हूं, बट मार्केट में आपको पोटेंसी 30-200 में भी आपको ये मिल जाएगी। बहुत सारी पेटेंट दवाएं हैं जो जोनोशिया सिरप के नाम से या अलग अलग टॉनिक्स हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली बने हुए, जिसमें जोनोशिया का मदर टिंचर या 3x पोटेंसी काफी ज्यादा यूज होती है। तो एक एक करके इसके सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बेस्ट, फिर उसके बाद जो नॉर्मल थेरेप्यूटिक किन किन बीमारियों में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यूटेराइन टॉनिक के रूप में अगर किसी फीमेल का पीरियड वगैरह जो है इररेगुलर रहता है, बहुत ही टेक्निकल टर्म में अगर मैं बताऊं तो मेट्रोरेजिया। दोस्तों मेट्रोरेजिया जब आपकी इररेगुलर ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, सामान्यतः जब पीरियड आने वाले होते हैं तो एक सस्पेक्टेड डेट होती है कि अराउंड 1 तारीख को डेट आने वाली, बट अगर कभी कभी 20 को ही आ गई या 15 को आ गई तो ये जो बीच बीच की ब्लीडिंग हो रही है या इंटरमेंशुअल ब्लीडिंग आप कह सकते हैं, डेट के आसपास में ना आकर अब नॉर्मल ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है वो भी पीरियड जैसी, तो इसे हम लोग जोनोशिया अशोका का मदर टिंचर देकर सुबह दोपहर शाम 15 से 20 बूंद काफी अच्छा, मैक्सिमम केस में आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ ये जरूर है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म 1.5 महीना आपको इसे यूज करना रहेगा, तो इसीलिए यूटेराइन टॉनिक्स वगैरह जितनी भी मार्केट में आती है उसमें मिली रहे ऑलरेडी मिला देते हैं इसे। तो जोनोशिया का मदर टिंचर इररेगुलर पीरियड कह लीजिए या पीरियड्स के बीच बीच में होने वाली जो ब्लीडिंग है उसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। सेकेंड, अगर आपको एमिनोरिया है, पीरियड आ ही नहीं रहा है, उस केस में भी इसे हम लोग 15 से 20 बूंद देकर रेगुलेट करने में मदद करते हैं। दोस्तों रेगुलेट इन द सेंस ये कोई अमीनो गैग नहीं है जहां पर हमने दवा खाई और पीरियड आ गया, ये रेगुलेशन में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। तो लगभग 1.5-2 महीने, 3 महीने आप इसका लगातार सेवन करें, आप देखेंगे नेचुरली आपका जो डेट है वो टाइम पर आना शुरू हो जाएगी। छोटे बच्चों में कई बार ऐसा पाया गया, जो नए बच्चे हैं जिनमें अभी प्यूबर्टी जो शुरुआत हुई है उनमें ऐसा कई बार होता है पीरियड की जगह व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पीरियड की जगह पर उदाहरण के तौर पर अगर आपको 1 तारीख के आसपास से पीरियड आता था और उस दिन या उस दिन के आसपास में पीरियड ना आकर आपको व्हाइट डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया जैसी समस्या होना शुरू हो जा रही है और 2 से 3-4 दिन तक जैसे पीरियड आना चाहिए उस तरह से व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। 15 से 20 बूंद फिर से थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाएं और लगातार आप इसका सेवन करें तो पीरियड रेगुलेशन के साथ साथ अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है तो आप उसमें भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कमर दर्द में, अलग से भी हम लोग इसे लेते हैं। कमर दर्द का जो नेचर है वो थोड़ा विशेष है, आपकी पूरी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द रहेगा और वो दर्द आपके पेट की तरफ से होकर नीचे भी जाता है। जी आपके जांग में भी दर्द हो सकता है, रेडिएट हो सकता है पीठ वाला दर्द जो है वो आपके पेट के आसपास वाले एरिया में भी रेडिएट हो, तो ये जो नेचर है रेडिएशन का पेन का, पीठ का दर्द जो आपकी हड्डी का दर्द है पिछली वो आगे की तरफ और जांग की तरफ अगर जा रहा है तो यहां भी आप मदर टिंचर को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। पीरियड से रिलेट करते हुए दोस्तों डिसमेनोरिया टर्म दिया जाता है, अगर किसी फीमेल्स में थोड़ा बहुत पेन हो रहा है पीरियड्स के समय तो वो नेचुरल माना जाता है। अगर इतना ज्यादा हो कि आपकी डे टू डे लाइफ जो आप कामकाज कर रहे हो उसमें डिस्टर्बेंस होने लगे तो इस टर्म को, इस पेन को हम लोग डिसमेनोरिया बोलते हैं। तो डिसमेनोरिया के केस में भी अगर आपको सामान्य से ज्यादा पेन बना रहता है या पीरियड्स के दौरान थोड़ी सी नौजिया या उल्टी जैसा लगता है उस समय आप इस दवा को लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि हर यूटेराइन टॉनिक में, हर बच्चेदानी वाली टॉनिक में इसे मिला दिया जाता है, बट आप सेपरेटली इसे लेकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो कमर दर्द के केस में अगर आपकी पीछे की हड्डी पूरी दर्द हो रही है और वो दर्द नीचे या जांघ की तरफ जा रहा है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, या पीरियड के समय में अगर आपकी कमर दर्द हो रही है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसके कुछ विशेष लक्षण है माइग्रेन के। अधिकतर कई सारी ऐसी फीमेल्स मिलेंगी आपको जिनको माइग्रेन
माइग्रेन की समस्या रहती है और ये स्पेशली जब पीरियड का समय आता है तो सर दर्द काफी ज्यादा होने लगता है। दोस्तों पीरियड से एसोसिएट करके अगर आपको माइग्रेन की समस्या या अधकपारी की समस्या बनी हुई है तो आप फिर से 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेकर इस दवा को काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जब जब आपको ठंड लगती है, कोल्ड होता है और आपके कान में जो है बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो ईयर एक ड्यू टू कोल्ड, ठंड लगने के बाद अगर आपके कान में दर्द बना रहता है तो मदर टिंचर को गुनगुने पानी में लेना है सुबह दोपहर शाम। आप देखेंगे पहले से दूसरे दिन में आपका जो सर्दी है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा और कान का दर्द बिल्कुल आपका आराम हो जाएगा। पीरियड के समय में एक और बहुत समस्या दिखती है फीमेल्स में दोस्तों, नाक या कह सकते हैं सर्दी जैसा महसूस होता है, तो एग्जैक्टली वो सर्दी होती नहीं है, इम्यूनिटी उस समय उनकी इतनी लो हो जाती है कि उन्हें सर्दी जैसा लगता है, नाक जो है रनिंग हो जाती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स अगर आपको बहुत ज्यादा रनिंग नोज हो रही है आप इस मदर टिंचर को लेके काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मेल में एक बहुत अच्छा रिजल्ट दोस्तों मिलता है क्योंकि ये माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस मदर टिंचर में। एंटीऑक्सीडेंट मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसे कुछ कण होते हैं जो आपके शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है उनको ये लोग पचा देते हैं, जिससे आपके शरीर में जो गंध है वो ज्यादा नहीं होगी, जो बाय प्रोडक्ट है वो ज्यादा नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट का सेवन जो है ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नेचुरली भी आपको फल फ्रूट में कुछ फल फ्रूट में मिल जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से और माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी होने से पुरुषों में एक बहुत अच्छा केस बनता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर सूजन है या आर्थराइटिस की समस्या है, मेल का जो स्क्रोटम होता है वहां से एक पाइप निकलते हुए ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसमें दर्द बना रहता है या सूजन बनी रहती है तो भी इस मदर टिंचर को 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको कब्ज की दिक्कत रहती है और हर बार जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है आपको पाइल्स की भी समस्या हो जाती है, यहाँ पर जो कब्ज का नेचर है दोस्तों दो दो तीन तीन दिन वाला आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली फीमेल्स में ऐसा पाया जाता है पीरियड्स के दौरान। इसीलिए दोस्तों बार बार मैं टर्म बोल रहा हूँ कि इसको यूटेराइन टॉनिक में मिलाया गया है। तो पीरियड्स के दौरान कई लोगों को कब्ज हो ही जाता है, दूसरे तीसरे दिन पॉटी जाते हैं और जब जब ऐसा होता है या तो फिशर या पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। अगर आपका पीरियड नहीं भी चल रहा है और नॉर्मली भी आपको दो दो तीन तीन दिन पर पॉटी होती है और हर बार आपका जो पाइल्स है या फिशर है वो रिन्यू हो जाता है, दर्द होने लगता है या बढ़ सा जाता है, तो भी 20 बूंद सुबह दोपहर शाम इस दवा को लेकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों जो इसकी एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके कई सारी उपयोगिता आपको बताती है। तो आपने देखा छोटी सी प्रॉब्लम चाहे वो आपके पीरियड डिस्टर्ब हो गए हो या बड़ी सी प्रॉब्लम पीरियड डेट पे ना आ रहे हो, वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही हो, माइग्रेन की समस्या हो रही, जुकाम हो जा रहा है, कान में दर्द होने लग रहा है, मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड में स्वेलिंग या दर्द हो रहा है, इन सारी समस्याओं में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज से लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।